हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग। सो गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि एयर लेयरिंग कैसे की जाती है, वो भी एकदम सिंपल स्टेप्स में। सो एयर लेयरिंग करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक डिस्पोजल ग्लास की, जिसको आपको एक जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे आपको इस तरीके से इसमें काट लेना है। ये देखिए गाइस, आपको ऐसे इसको काट लेना है ताकि आप इस डिस्पोजल ग्लास में स्टेम को डाल सकें। जब आप इसको काट लीजिएगा उसके बाद आप एक कोई मैच्योर स्टेम आपको चूज़ कर लेना है आपके अपने पेड़ में से, जिसको आपको जिसकी आपको एयर लेयरिंग करनी है। आपको इसके स्टेम पे एक कट लगाना है, जैसे कि मैंने ये लगा रखा है। आपको यहीं पर एयर लेयरिंग के लिए आपको ग्लास को लगा देना है। ये देखिए गाइस, आपको ऐसे ग्लास को लगा देना है और लगाने के बाद आप जो है ये देख सकते हैं, इसको पीछे जो मैंने होल किया था इसमें आप इसका स्टेम आसानी से आ चुका है। इसको लगाने के बाद आप इसमें टेप से इसको लगा दीजिए ताकि ये हिले नहीं। फिर आप इसमें नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होता है उसमें आप कोकोपीट को मिला के एक बढ़िया सा आप उसमें सॉइल बनाकर आप इसको उसमें डाल दीजिए। इसको ऐसे करने के बाद आपको करीब 45 डेज लगेंगे, जिसमें रूप को अच्छी तरीके से डेवलप करने में। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके 45 दिन के बाद की ग्रोथ की वीडियो मैं दूसरी बनाऊंगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।